गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सनसे बनेचो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे वेतन अपडेट को लेकर के। दोस्तों और आज से दुर्गा पूजा भी स्टार्ट हो गया है, तो आप सबों को दुर्गा पूजा नवरात्रा की बहुत बहुत बधाइयां। दोस्तों सनसे बनेच की ओर से जितने भी शिक्षक है, नवनियुक्त शिक्षक है, दोस्तों जो नवनियुक्त 42,000 शिक्षक है जिनका सिलेक्शन इस बार हुआ है, उनकी पहली ये दुर्गा पूजा है। दोस्तों जब वो विद्यालय में योगदान किए हैं, उन्हें नौकरी मिली है, उसके बाद से ये पहली उनकी दुर्गा पूजा है। उम्मीद है कि अच्छे से मनाएंगे। जहां तक वेतन का बात है कि वेतन मिलेगा तब तो अच्छे से मनाएंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वेतन की ही चर्चा करेंगे। दोस्तों आपके खाते में कब तक वेतन आ सकता है? दोस्तों इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जून तक का पेमेंट तो आप लोग को सबको पूरे बिहार के 38 जिले में पेमेंट हो चुका है। अब रह गया जुलाई को, जुलाई का पेमेंट कि जुलाई का पेमेंट आप लोग को कब दिया जाएगा। तो कुछ एक जिलों हैं दोस्तों, कुछ एक जिलों को छोड़ करके बाकी जिले में पेमेंट आपका जुलाई का नहीं दिया गया है। यदि हम लोग बात किया जाए तो जुलाई का कुछ एक जिलों है, जैसे कि पटना है, पटना अरवल है, अरवल के बाद यहाँ पे जहानाबाद है और सीतामढ़ी है। ये चार ऐसे जिले हैं जहां पर आपका जुलाई का वेतन मिल गया है। दोस्तों बाकी आपके 34 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी आपको पेमेंट नहीं दिया गया है जुलाई का भी दोस्तों, और जबकि अभी आपका सितंबर चल रहा है, सितंबर चल रहा है, दुर्गा पूजा महापर्व चल रहा है दोस्तों, और इस अवसर पर भी आपको वेतन नहीं दिया गया है। तो ऐसे में जो जिला में आवंटन हुआ है दोस्तों, उस हिसाब से देखा जाए और जो स्थिति बन रही है, सरकार भी चाहती है कि वेतन इन्हें मिले, तो मैं आप लोग को बता दूं कि जुलाई का पेमेंट दोस्तों आज से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आज से आपको पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आज कुछ एक ऐसे जिले हैं, कुछ एक ऐसे जिले हैं जहां पे आज शाम तक, इवनिंग तक हो सके तो आपको पेमेंट मिल जाएगा दोस्तों, और नहीं तो मंगलवार को कंफर्म है, बुधवार को कंफर्म है, आपको पेमेंट ट्यूजडे वेडनेसडे को बिल्कुल आपको पेमेंट दे दिया जाएगा। ट्यूजडे वेडनेसडे तक आपका बिल्कुल पेमेंट मिल जाएगा। जहां पर वेतन विपत्र पहले से बन करके रेडी है, वहां पे आपका साइन वाइन का हो चुका है सब जगहों पे, तो वहां पे तुरंत आपको आज शाम में भी नहीं तो कल से लेकर के परसों तक वेडनेसडे तक 99% चांसेस है कि आपको वेतन मिल जाएगा दोस्तों। इस जुलाई मंथ का पेमेंट आपको मिल जाएगा। अब रही बात आपका अगस्त का कि आखिर अगस्त का पेमेंट दोस्तों कब मिलेगा, तो 34 जिले हैं, 34 जिलों में ये मान करके चलिए कि 30 सितंबर से पहले पेमेंट हो जाएगा, ये कंफर्म है। 27, 28, 29 तक, हार्डली 29 तक सभी जिले में, सभी बचे हुए 34 जिलों में जुलाई का पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। अब अगस्त का पेमेंट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। ये अगस्त का पेमेंट, तो अगस्त का जो पेमेंट है दोस्तों, वो सचिवालय से जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, उस आधार पे आपका अगस्त का जो पेमेंट है उसका भी आवंटन 29 तारीख के बाद, 29 तारीख तक मिल जाना चाहिए सभी जिलों में, 29 तारीख तक सभी जिलों में मिल जाना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद आपका 2 अक्टूबर आपका छुट्टी है, 2 अक्टूबर से पहले पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मिल जाए अगस्त का पेमेंट, और नहीं तो दुर्गा पूजा के बीच में सप्तमी अष्टमी यदि बैंक खुला होगा, पेमेंट आपका दुर्गा पूजा के बीच में भी हो जाएगा। और यदि आपका बैंक नहीं खुला है दोस्तों, तो मान करके चलिए कि आपको पेमेंट दुर्गा पूजा के बाद होगा, लेकिन पूरी संभावना है कि आपका अगस्त का पेमेंट जो है दोस्तों, वो दुर्गा पूजा के मध्य में आपको मिलने की पूरी संभावना है। रही बात एरिया का, जो कि 15% जो एरियर है, ये एसएसए के लिए है दोस्तों, ये जो है वो आपका एसएसए के लिए है। और जीओबी वाले को तो पेमेंट लगभग मिल ही चुका है, सितंबर तक मिलने का पूरा राज्य सरकार की तरफ से घोषणा कर दिया गया है, और उन्हें कि 26 सितंबर से पहले इन्हें सितंबर तक का पेमेंट दे दिया जाए, ये आदेश जारी कर दिया गया है दोस्तों।
अब कुछ साथ पूछते हैं दोस्तों कि ये कुछ को जीओबी में, कुछ को एसएससी में, ये क्या चक्कर है। तो दोस्तों कुछ लोगों को ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार हो गई, ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार से ये फंड आपको मिलता है और ये आपका एसएससी है, सौर शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान भी आप इसको कह सकते हैं। वहां से पेमेंट कुछ इसमें केंद्र का अंश मिलता है और राज्य का, दोनों मिला करके इसको पेमेंट किया जाता है। केंद्र की तरफ से पैसा नहीं आ रहा है तो जीओबी का जो फंड है इसी से इसको भी पेमेंट किया जा रहा है दोस्तों। तो ये दोनों में अंतर है। अब कौन शिक्षक जीओबी में होते हैं, कौन शिक्षक एसएससी में होते हैं दोस्तों, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जीओबी और एसएससी में जब डाला जा रहा था तो रैंडमली किसी को भी जीओबी में उठा करके डाल दिया गया था। ये चीजें थी, कोई क्राइटेरिया नहीं था कि हाँ आप ये वाले टीचर हैं आपको यहाँ दिया जाएगा, आप बेसिक ग्रेड रखना, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। रैंडमली किसी को उठा के जीओबी में डाल दिया या किसी को आपका एसएससी में डाल दिया गया, यही चीजें हैं। जो जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं दोस्तों, 42 के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं ये सारे के सारे आपके एसएससी के अंतर्गत ही आते हैं, एसएससी की तरफ से ही इन्हें पेमेंट दिया जाता है। रही बात हम लोग एरियर की बात कर रहे थे, एरियर जो 15% है दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक का है वो नवनियुक्त शिक्षक का एरियर नहीं है, नियोजित शिक्षक का है, जो कि आपका अप्रैल से बकाया है, अप्रैल 2021 से ये आपका बकाया है दोस्तों। जिन्हें जो नियोजित शिक्षक है उन्हें 15% जो वेतन बढ़ा करके दिया जा रहा है, ये वेतन इन लोगों को नहीं दिया गया है दोस्तों। तो इसी के लिए यही एरियर देने की बातें चल रही है। अप्रैल 2021 से आपका मार्च के बाद से बढ़ा हुआ वेतन मिल रहा है और उससे पहले इन लोगों को बढ़ा हुआ वेतन नहीं दिया गया है दोस्तों। तो ये 15% जो एरियर है वो आपका दुर्गा पूजा से पहले मिलने की संभावना बिल्कुल कम दिखाई दे रही है दोस्तों। दुर्गा पूजा के बाद ही ये एरियर आपको मिलने की ज्यादा संभावना है। दुर्गा पूजा के बाद जैसे ही आपका ये दुर्गा पूजा महापर्व आपका समाप्त होगा दोस्तों, और इसके बाद से लेकर के दिवाली जो आपका आने वाला है, दिवाली के बीच में आपको ये पेमेंट मिलने की, ये एरियर जो है इसका भुगतान होने का ज्यादा संभावना है दोस्तों। तो मिला जुला करके यही है कि आपका जुलाई का पेमेंट हम लोग यहाँ पे देखें तो ये आपका जुलाई का जो पेमेंट है दोस्तों, वो आपको जुलाई का पेमेंट है ये आपको अभी मिलने की संभावना है। और अगस्त का जो पेमेंट है दोस्तों वो दुर्गा पूजा के बीच में ये 2 से 3 दिनों के अंदर सबके खाते में आ जाएगा, ये आप मान करके चले, ये जो पेमेंट है ये आप मान करके चले कि 2 से 3 दिनों के अंदर आपको जुलाई का पेमेंट मिल जाएगा दोस्तों। इस वीक में जो आपका वीक स्टार्ट हो रहा है आज से 2-3 दिनों के अंदर बुधवार तक पूरी चांसेस हैं कि सबके खाते में, जितने भी शिक्षक है दोस्तों उनके खाते में पेमेंट आने की पूरी संभावना है। अगस्त का पेमेंट आपको मिड में मिल सकता है, वही जो एरियर है दोस्तों ये दुर्गा पूजा के बाद, इसकी मिलने की ज्यादा संभावना है दोस्तों। तो ये वेतन संबंधित अपडेट है दोस्तों आज का, और जो भी घटनाएं आज दिन भर में होगी उसी अपडेट में आपको शाम को फिर से दूंगा। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, नीचे लाल बटन है और वहीं पे आपका सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उस लाल बटन को, ये जो आपका सब्सक्राइब करके लिखा हुआ है लाल बटन, इसी को आप, ये जो सब्सक्राइब करके लिखा हुआ है आप इसको बटन को प्रेस कर दे तो आपको शिक्षक से संबंधित जितने भी खबरें हैं वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सनसे बने इसके साथ बने रहे।